तो राहुल गांधी इस वक्त सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीबीआई का यह मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में सीडीओ कॉम्प्लेक्स के बगल में सीबीआई का नया हेडक्वार्टर है, जिस पर राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन की तस्वीरें देख सकते हैं, पीछे भारी संख्या में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं और सामने बैरिकेड के ऊपर राहुल गांधी चढ़े हुए हैं। राहुल गांधी यहां से ये कह रहे हैं कि सीबीआई के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। उनका आरोप है कि राफेल सौदे की जांच चूंकि आलोक वर्मा करना चाह रहे थे, इसलिए सरकार ने उन्हें आधी रात में हटा दिया। सरकार को डर लग रहा था। उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया वो ये किया कि चौकीदार को डर लग रहा था। वो प्रधानमंत्री को चौकीदार कहते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद को अपने आप को एक बार चौकीदार कहा था, उसी पर वो तंज कसते हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि एक चौकीदार की चोरी कहीं पकड़ी ना जाए, इसके चलते सीबीआई के जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, जिनको छुट्टी पर भेजा गया है आलोक वर्मा, उनके मामले को उठा रहे हैं राहुल गांधी और सीबीआई मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो टाइमिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तीन हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव की वजह से कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इससे उत्साह भरेगा, राहुल गांधी को इस बात की पूरी उम्मीद है। तो इसीलिए पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन करने का मन बनाया है राहुल गांधी ने और देश भर के में सभी जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। आप कैमरा वन और कैमरा टू की तस्वीरें देख सकते हैं। हमने आपको चंडीगढ़ की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाई। तो अभी आप राहुल गांधी को देख सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह से सामने सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह से बैरिकेडिंग की गई है और किस तरह से सीबीआई के पूरे मुख्यालय को सील बंद कर दिया गया है, एक तरह से पैक्ड कर दिया गया है। सिमर चावला सीबीआई दफ्तर पर मौजूद है। सिमर, मुझे ये बताइए कि इस वक्त राहुल गांधी वहां पर क्या कर रहे हैं और कितने देर तक बैठने का उनका प्रोग्राम है? दीपक जी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी जो मेन अपोजिशन के लीडर हैं, बहुत ही भारी भीड़ के साथ यहाँ पे सीबीआई हेडक्वार्टर के पास पहुंचे हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम यहाँ पे करे गए हैं कि तीन लेयर में बैरिकेडिंग करी गई है। जहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त राहुल गांधी को रोका गया है, वहां पे एक बैरिकेडिंग हो रखी है, उसके बीच में 100 मीटर का फासला है, वहां पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, फिर एक बैरिकेडिंग करी गई है, फिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और उसके बाद वहां पे वाटर कैनन भी लगा रखे हैं और उसके बाद सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर जो 100 मीटर यहां से दूर है वहां पे बैरिकेडिंग तो हो ही रखी है। मैंने हाल ही के कुछ दिनों में इतनी भारी संख्या बल यहां पे कभी नहीं देखा, इतनी सिक्योरिटी यहां पे नहीं देखी। तो आप देख सकते हैं कि अंदाजा था कि इतनी भीड़ यहां पे मौजूद होगी, तो भारी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं सुरक्षा के। राहुल गांधी की बात करी जाए तो बैरिकेडिंग की वजह से उन्हें वहां पे रोका गया है, इसलिए वो वहीं पे भाषण दे रहे हैं, चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और सब मिल के नारेबाजी कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ रफेल चुके। बिल्कुल सिमर, और मैं यहां पर यह भी जानकारी दे दूं कि दयाल सिंह कॉलेज से कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा उनके साथ हुए, उनके साथ सीपीआई नेता डी राजा और जेडीयू के पूर्व नेता शरद यादव, जो कि आजकल विपक्ष को लामबंद करने में जुटे हुए हैं, वो भी उनके साथ थे। यानी कुछ सहयोगी पार्टियों को भी साथ में लाने की कोशिश उन्होंने की है और साथ ही साथ टीएमसी और सीपीआई भी शामिल हुई है। ये हमारे पास जानकारी मिल रही है कि टीएमसी और सीपीआई भी राहुल गांधी के इस प्रदर्शन में शामिल हुई है। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया न्यूज पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे।